सन मैथमेटिक्स पे आपका स्वागत है, यूट्यूब चैनल पे आपका। मैं रविकांत कुमार, मैं दोस्तों अब आपको जो है अर्थमेटिक भी पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट, और एडवांस मैथ भी मैं कंप्लीट पढ़ाऊंगा। तो आप सबसे पहले दोस्तों कि मैं आपका बात कर लेता हूँ शेड्यूल के बारे में कि मैं किस तरह से आपका शेड्यूल मैं करवाऊंगा दोस्तों। तो मैं आपको शेड्यूल की बात मैं करूँ तो मैं 4 दिन वीक में अर्थमेटिक पढ़ाऊंगा और वीक में 3 दिन यानी एडवांस मैथ। एडवांस का पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे दोस्तों और अर्थमेटिक का हम लोग डेली वीडियो देखेंगे। आप जो लोग नए जुड़े हैं हमसे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा लें, उससे क्या होगा कि आपकी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आएगा। और जो इतना मैं लाजवाब जो तरीका बताऊंगा ये आपको अदर चैनल पे भी नहीं दिखने वाला है। और एक बात और मैं बता दे रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कोई भी किताब से आप मिला लेंगे आप देखेंगे सेम टू सेम मिलेंगे, कहीं भी डिजिट चेंज नहीं होंगे। अब मैं वही सवाल करवा दूंगा जो एग्जाम में पूछे गए, आसान से आसान भी, हार्ड से हार्ड सवाल भी। तो चलिए दोस्तों मैं एडवांस मैथ का पहला टॉपिक में उठाया हूँ एलजेब्रा। एलजेब्रा यानी कि बीजगणित। क्या दोस्तों? बीजगणित। हम लोग पहले बहुत ही आसान सवाल इसका लेवल 1 पढ़ेंगे, लेवल 2 आप बुक भी मिलाएंगे। चलिए दोस्तों मैं एक सवाल लिया हूँ, बहुत ही आसान सवाल है। हम आपको पहले बेसिक एकदम क्लियर में कर दे रहा हूँ किस तरह से आपको बनाना है। देखिए 2p-2q, ये क्यू है, 2p-2q = 4, ये आपको कंडीशन दिया गया है। यानी यदि दिया गया कि p-2q = 4 हो तो pq-8q-24pq-64 का मान क्या होगा। देखिए हम आपको समझाते हैं डिटेल में कि दोनों तरफ घन करेंगे देखिए क्या होगा, ये p-2pq^3 = 4 कितना 4। अब देखिए इसको लिखेंगे a-b, मैं यूज लिख रहा हूं इधर यूज लिख के कि कौन फार्मूला को किस तरह से मैं यूज ले रहा हूं। a-b का होल क्यू है दोस्तों aq-bq - 3ab (a-b) होता है। aq-bq = 3ab (a-b) है। तो आप इसी पर रखते हैं aq, तो pq - 2q = 8q है, -3ab (3ab)p (2q) हो गया a-b, यानी a- यही लिखा है, एक स्टेप बढ़ा दे रहा हूं, p-2q हो गया = 4q = 64। अब देखिए ध्यान से pq - 8q - 3×6। अच्छा इसका वैल्यू पता है दोस्तों 4, तो 4 पूरा ये रखेंगे। देखिए ध्यान से ये पूरा का वैल्यू 4, 4 × 12 = 24, और ये कितना pq। अच्छा ये प्लस में इधर ले आइए -64 = 0, इसी का वैल्यू तो पूछा दोस्तों। तो आपके पास जो आंसर बना यानी कि इसका जो आंसर बना कितना बना 0। आप इस तरह से करोगे सवाल आपका टाइमिंग खाएगा। आप देखो ध्यान से दोस्तों इस सवाल में हम लोग को देख के ही आंसर बता देना है किस तरह से, ये सवाल भी प्रीवियसली मैंने उठाया है। तो आप देखिए ध्यान से कैसे चलने वाले हैं। देखिए आप क्या करो, देखो मैंने एक तरीका बता दिया बेसिक से आपको। आप देखो क्या करो कि p-2pq है, दोनों में से किसी एक को आप 0 पढ़ लो, किसी एक को, क्योंकि उससे 0 पढ़ने से क्या होता है कि इक्वेशन आसान हो जाते हैं। किसी क्यों ऐसा 0 पढ़ रहा हूं मैं आपको ये देखिए, यानी एक ही कंडीशन हो तो आप 0 लीजिए, किसी एक को, कंडीशन कितना दिया हुआ है 1, तो आप किसी को भी यानी p या q में से किसी को भी आप 0 ले लो, p या q किसी को। तो ऐसा करें pq = 0, तो p का वैल्यू 4, तो q देखिए ना यहाँ रखेंगे यानी 0, यहाँ भी 0, -64, 4³ = 64। तो अब बताइए 64, ये माइनस है देखिए पूरा कंप्लीट, 64 में से 64 जाएगा कितना 0। आप q को भी 0 पढ़ सकते हैं या
किसी को भी क्यू को या पी, तो दोनों में से किसी एक क्यू जीरो पढ़ा आसान बन गया मुझे, जीरो पी बराबर चार, चार का क्यू 64, ये जीरो हो जाएगा, जीरो चार का क्यू 64 माइनस 64 जीरो। चलिए दोस्तों हम लोग सवाल नंबर दो पे आते हैं, ये भी सवाल प्रीवियस ही है। अगर बेसिक्स बनाओ क्यूबिंग, हमने बोला कंडीशन एक है किसी एक का जीरो, अगर हमने वाई जीरो पढ़ दिया तो वाई जीरो पढ़ा तो एक्स का वैल्यू कितना, एक्स का वैल्यू 7, तो वाई जीरो ये समाप्त हो जाएगा, यहाँ भी ये कैसे है वाई जीरो तो ये भी जीरो। अब एक्स बराबर 7, 7 का क्यूब, 7 का है 3 बार, तो 7 का क्यूब पता होना चाहिए, याद कर लीजिएगा 3, देखिए ऐसे 777, 749 मुझे तो याद है लेकिन आप भी याद कर लोगे, इसलिए मैं लिखा नहीं, 963, यानी 63 का कितना 6, 7 चौको 28, 28 और 6 34, यानी 343। ठीक है, तो जरा क्यूबिंग याद कर लेंगे, स्क्वायरिंग याद रखेंगे दोस्तों, ये बहुत हेल्प आने वाला है मैथ में भी रीजनिंग में भी। तो क्यूबिंग याद रखेंगे, 7 का क्यूब 343, यानी आपका आंसर हो जाएगा 343। चलिए आगे बढ़ते हैं एक सवाल लेके, फिर आगे मैं देखिए वही सवाल है, जरा एक्स वाई जेड में दिया है, आप इसको बनाएंगे थोड़ा सा लंबा प्रोसेस आएगा। मैंने क्या बोला, तीनों अगर तीन नंबर है कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई जीरो पढ़ लो, तो मैं ऐसा करता हूँ वाई को वैल्यू जीरो, तो एक्स बराबर कितना जेड, एक्स बराबर जेड। अब देखो जहां जहां पहले वाई है आप वाई का मन रखो, यानी कि जीरो हो जाएगा, ये भी क्या होगा जीरो, क्यों, क्योंकि वाई जीरो तो जेड भी जीरो हो जाएगा पूरा। अब माइनस जेड क्यू इधर प्लस एक्स क्यू, अब देखो एक्स क्यू रहने दो, अच्छा जेड के बदले एक्स, तो एक्स का पावर 3, तो पावर देखिए पावर 3 माइनस, यानी दोनों में से जाएगा तो कितना हो जाएगा जीरो। चलिए दोस्तों आप बने रहेंगे वीडियो के अंत तक, मैं एक से एक आपको तरीका बताऊंगा, अभी तो मैंने ये सिंपली तरीका, अभी हार्ड हार्ड से सवाल में भी लगाऊंगा मैं, और वो भी सब प्रीवियस ए टू जेड सवाल करवाऊंगा मैं, बहुत सारे सवाल करवाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं चार नंबर सवाल पे। चलिए दोस्तों एक्स देखिए सवाल, ए प्लस बी प्लस 1 जीरो, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 1, देखिए इसका बेसिक भी बनेगा, मैं बता रहा हूँ बार बार आपको, देखिए इधर इसको ले जाइएगा तो बेसिक आ जाएगा, क्यूबिंग बोथ साइड कीजिएगा आ ही जाएगा। मैंने बोला किसी एक को जीरो पढ़ लो, किसी एक को तो बी जीरो पढ़ लिया मैंने, तो ए का जो वैल्यू होगा माइनस 1, ए का वैल्यू कितना होगा माइनस 1, अब बी रखो तो बी जीरो, यहाँ भी जीरो, तो यहाँ पे प्लस 1, अब ए का माइनस 1 पावर विषम है तो माइनस ही, तो माइनस प्लस जीरो, माइनस प्लस जीरो। देखो फिर से दोस्तों बी को आप जीरो रखो पहले, तो बी जीरो यानी 3a इंटू जीरो, ये जीरो हो जाएगा प्लस 1, अच्छा बी तो ऑलवेज जीरो है, जीरो, ए का वैल्यू माइनस 1, माइनस 1 पावर विषम, तो पावर विषम पे माइनस ही निकलेगा लेकिन सम पे रहेगा तो सम संख्या यानी कि 1 हो जाएगा, प्लस 1 देखिए प्लस 1 माइनस 1 खत्म हो जाएगा, आंसर कितना जीरो। चलिए दोस्तों मैं आगे और बताने वाला हूँ। चलिए दोस्तों देखिए एक नया सवाल, ये भी पूछा हुआ सवाल है, मैंने देखो कंडीशन कितना एक, जब कंडीशन एक हो तो आप जीरो माने, किसी एक को जीरो पढ़ लीजिए, अगर मैंने वाई जीरो पढ़ा तो वाई जीरो तो ये भी जीरो हो जाएगा, यानी एक्स का वैल्यू कितना 1, आप एक्स भी जीरो पढ़ सकते हो तो वाई 1 आएगा। आप देखो क्योंकि ये जो आपके पास कंडीशन है यानी जो दिया हुआ है आपके पास वही एक ही है, तो आप किसी को भी जीरो पढ़ लो दोस्तों। देखिए ना वाई जीरो पढ़ा मैंने, जीरो ये भी जीरो हो जाएगा, प्लस एक्स बराबर 1 के पावर 3, तो 1 के पावर 3 एक, या इसका पूरा का आंसर जो होगा दोस्तों वो कितना होगा 1। आप लाइक और शेयर जरूर करते रहेंगे, और जो लोग अभी तक देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर दें। अच्छा दोस्तों देखिए पेपर 2 2016 सीजीएल मेंस का है, सीजीएल मेंस का पेपर 2 आप बुक में मिलाएंगे, 2016 का है क्वेश्चंस। आप देखो कितना आसान है, मैंने बोला कंडीशन कितना एक, किसी एक को जीरो पढ़ दो, किसी एक को तो बी जीरो पढ़ा मैंने, ए का वैल्यू 1, बी जीरो ए 1, बी जीरो तो ए 1, आप वैल्यू रखो जहां जहां बी है वो समाप्त होगा, ये भी समाप्त हो जाएगा, ये भी समाप्त हो जाएगा, ये भी समाप्त हो जाएगा, यहाँ होगा ए के 1 तो ए के पावर 3, तो 1 इसके आगे लगाओ माइनस, ये समाप्त हो जाएगा, ए का वैल्यू 1, 1 के पावर 4,
वन ही हो जाएगा, वन माइनस वन यानी कि आंसर मेरा कितना जीरो। देखो मैंने दोस्तों क्या बताया आपको, सबसे पहले कंडीशन एक है तो आप दोनों में से किसी एक को जीरो। बहुत सवाल, जो भी सवाल मैं लिख रहा हूँ आपका, सब बुकलेट में दिया हुआ है, किताब में दिया हुआ है, आप मिलान करोगे, कोई भी ले लो, किरण प्रकाशन लो, आर के यादव का बुक ले लो, किसी का प्लेटफॉर्म का ले लो, किसी का आरोप सवाल, वहां मिलाएंगे, सेम टू सेम मिलेगा। देख लीजिए दोस्तों एक बार फिर से, बेसिक आपके पास बता दिया मैंने किस तरह से बनाओगे, बेसिक इसने स्क्वायर करना होगा, फिर उसके बाद तो प्रोसेस बहुत लंबा है। मैंने बोला दोनों में से किसी एक को जीरो, ए का वैल्यू वन, वन के पावर फोर प्लस बी जीरो माइनस वन, बी जीरो है यहाँ भी, बी जीरो जीरो यहाँ भी जीरो है बी, तो पूरा जीरो। अब बताइए वन माइनस वन कितना जीरो। आपको बहुत सवाल करा रहे हैं दोस्तों, आप देखते रहना, सिर्फ लास्ट अंत तक देखते रहिए। देखिए सीजी 2016 का क्वेश्चन दोस्तों, मैंने क्या बताया सबसे पहले कंडीशन कितना दिया हुआ है, एक कंडीशन एक दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे मैंने बताया, देखो ये प्रोसेस लंबा है, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बनना तो है ही, इसको इधर भेजना इधर हो जाएगा, लेकिन मैंने बोला किसी एक को जीरो, एक कंडीशन कितना एक, एक्स वाई जेड किसी एक को आप जीरो पढ़ लो, किसी एक को जीरो पढ़ा मैंने, मान लीजिए जेड पढ़ा जीरो, जेड पढ़ा जीरो, ये जीरो और ये भी जीरो, यानी आ गया एक्स वाई का वैल्यू वन, एक्स वाई का वन तो आप इसमें लगाओगे वन प्लस वाई स्क्वायर, रहने दो आप ऊपर में, नीचे में जेड पढ़े हैं जीरो ना, देखिए जेड पढ़े हैं आप, देखो जेड पढ़े हैं जीरो, तो देखिए ये जीरो हो जाएगा, तो ये वाई प्लस जीरो वाई, वाई गुना होगा तो ये होगा एक्स वाई और इंटू वाई स्क्वायर, एक्स वाई इंटू वाई स्क्वायर। आप देखो ऐसा कर लो एक स्टेप नीचे, वन बाई देखिए ऐसे है ये, एक्स वाई का वैल्यू वन है, एक्स वाई का वैल्यू वन है और कितना वाई स्क्वायर, तो ऊपर भी सेम नीचे भी सेम, कट गया कितना जीरो। आप देखो एक तरह से अगर मान लीजिए एक्स वाई तुम जेड नहीं पढ़ते हो जीरो, किसी एक को जीरो पढ़ते हो, तो किसी एक को जीरो पढ़ो, देखो ध्यान से, अगर मान लीजिए हम एक्स पढ़ा जीरो, कितना पढ़ा एक्स जीरो, तो ये वाला जीरो ये जीरो, वाई जेड कितना होगा वन, सवाल था वन बाई वाई स्क्वायर, इधर था एक्स प्लस वाई, नीचे था वाई प्लस जेड, अपर हमने किसको जीरो पढ़ा है यानी एक्स को, तो देखिए एक्स जीरो होगा तो ये वाला समाप्त हो जाएगा, ये देखिए वन प्लस वाई स्क्वायर, ये नीचे होगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई जेड। अब देखो ध्यान से, फिर वाई जेड का वैल्यू वन, ऊपर वन प्लस वाई स्क्वायर, नीचे भी वन प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर सेम नीचे सेम, कट वन बच्चे। चलिए दोस्तों मैं दोबारा से अगला सवाल ले रहा हूं, मैं चेंज सवाल ले रहा हूं मैं, अब देखे दोस्तों ए प्लस बी वन हो तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी बराबर के। अभी मैंने बताया ऐसे तो आप क्यूबिंग बोथ साइड लाओगे, मैंने बोला नहीं, किसी एक को जीरो, ए का वैल्यू वन, बी जीरो लिया ए वन, आप देखो बी जीरो जहां भी, ये जीरो ये भी जीरो, अब बताइए ए, यानी के का वैल्यू पूछ रहा था तो के का वैल्यू कितना। चलिए मैं आगे बढ़ा रहा हूं दोस्तों, आप देखते रहेंगे लगातार। चलिए दोस्तों ये भी सीजीएल मेंस 2015 का सवाल है, कब का है दोस्तों 25/10/2015 सीजीएल पेपर मेंस। आप देखो देंस दोस्तों ए प्लस बी बराबर है, पूछा गया है ए क्यू प्लस बी क्यू माइनस ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पूरे पर स्क्वायर। देखो मैंने बोला आप डिटेल बनाओगे तो बनना ही है, ऐसा नहीं क्योंकि इसको तोड़ोगे आप। आप देखो ध्यान से कितना आसान सा सवाल है दोस्तों, किसी एक को जीरो, बी को जीरो, तो बी जैसे ही जीरो किया तो आपका ए का वैल्यू वन हो गया, ए का वैल्यू जैसे ही वन होगा तो आप देखो क्या किया मैंने, ए का वैल्यू वन है, वन के पावर थ्री वन प्लस बी जीरो है तो ये भी जीरो हो जाएगा माइनस जीरो। अब देखिए माइनस ये तो जीरो है तो ए के पावर फोर, तो ए के पावर फोर तो ए का वैल्यू वन, तो वन देखिए कैसे, एक बार स्टेप, ए का वैल्यू पावर टू माइनस जीरो पावर टू वन प्लस, तो ये सब तो खत्म हो जाएगा जीरो जीरो, सीधे माइनस पे आएंगे, ये जीरो वन के पावर फोर तो वन, वन माइनस वन कितना जीरो। देखिए आप सवाल देख रहे हैं लाजवाब, मैं बुकलेट बता रहा हूं, मैं अदर से सवाल बना बना के नहीं दे रहा हूं मैं,
ये दे रहा हूँ ये सवाल जो आपको एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार वही सवाल पूछे जाते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग करता है। मैं बताऊंगा किस तरह से सवाल को चेंज किया है, किस तरह से सवाल को बना के लाता है नया सवाल, वही हम लोग कंसेप्ट पता हो आप लगाते रहे। चलिए दोस्तों अब हम लोग जो है नया क्वेश्चन आए, ये भी क्वेश्चन x प्लस वाई 15। देखो आपको मैंने बताया कि जब ऐसा सवाल है तो आप देखो इसको इधर भी ले सकते हो, इधर भी ले सकते हो। हमने बोला कि किस जब इंडिपेंडेंट है यानी स्वतंत्रता है, स्वतंत्र मतलब एक ही कंडीशन दिया है, तो आप दोस्तों किसी एक को जीरो, वाई जीरो पर दिया मैंने, x का वैल्यू कितना आ गया 15, यानी x का वैल्यू 15। तो आप देखो x माइनस 10 का होल क्यूब है, वाई माइनस 5 का। तो जैसे ही आपने x का वैल्यू 15 रखोगे तो 15 में से 10 जाएगा, 5 बचेगा, 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब 25। देखो कैसे 15 माइनस 10 के पावर 3, 10 में से 15 में से 10 गया 5, 5 के पावर 3 प्लस y तो 0 है, तो y 0 माइनस 5, 5 का 20 पावर बीसम है तो बीसम ही निकलेगा, लेकिन 5 का क्यूब 25, तो यानी 125 प्लस में नहीं होगा, क्या हो जाएगा माइनस, क्यों इसके आगे माइनस लगा हुआ है, अब पावर भी कैसा है बीसम, तो 125 में से 25 जाएगा, कितना बचेगा 0, कितना बचेगा। आप क्या करोगे दोनों में से कोई एक वैल्यू रख लो, मैं सवाल जितना भी है आप 0 रखा वाई का, एक्स बराबर 15, 15 माइनस 10 5, 5 का क्यूब 125 प्लस में है 5, ये तो 0 तो माइनस 5 का क्यूब 125, 125 में से 25 0। चलिए दोस्तों देखिए एक सवाल, मैं इसका डिटेल ही बता दूंगा, आपको लग रहा होगा सर डिटेल बता भी नहीं रहे हो आप, एक बार देख लेते हैं जो कंसेप्ट बताया मैंने, सिंपली में है और कंडीशन कितना एक, तो किसी एक को जीरो पढ़ दो। अगर मैंने पढ़ा वाई जीरो, देखो ये वाई जीरो पढ़ दिया मैंने, तो ऐसा हो जाएगा एक्स के पावर 3 बराबर वाई के पावर 3। आपको पता होगा दोस्तों, या नहीं पता है तो समझ लीजिए, जब पावर समान हो जाए, क्या बोला मैंने, जब पावर समान हो जाए तो बेस बराबर होगा, या जब बेस समान तो पावर बराबर, यानी कि दोनों सवाल जब बेस बराबर होंगे तो पावर इक्वल होंगे, जब पावर इक्वल तो बेस बराबर। देखिए ना पावर इक्वल है 1/3 एक्स बराबर और जे सॉरी ये जेड होगा, ये जेड के पावर 1/3 और ये जेड, क्योंकि वाई तो जीरो हो चुका है तो ये जेड है। आप देखो ध्यान से, आप जहां जहां वाई है पहले जेड रख लो, ये तो पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि वाई है, तो अपने साथ जीरो तो पूरा जीरो। चलिए आप देखो ध्यान से, ये वाई जीरो है यानी वाई जीरो, एक्स माइनस जेड के पावर 3, इधर तो जीरो है लेकिन एक्स बराबर जेड, तो जेड माइनस जेड का पावर 3 कितना जीरो। दोस्तों आंसर मेरा जीरो हो गया। चलिए देख दोस्तों आप इसको मैं डिटेल बता दे रहा हूं, आप देखना कितना लंबा बनेगा। आप ये दोनों तरफ क्यूबिंग कर दो, क्या कर दो क्यूबिंग कर दो, क्यूबिंग मतलब घन करना, यानी घन कर रहे हैं दोनों तरफ। अब देखो एक्स के पावर 1/3, वाई के पावर 1/3, पूरे के पावर 1/3, जेड के पावर 1/3 के पावर। अब देखो ए प्लस बी का होल क्यूब, मैंने बताया था ए क्यूब, देखिए ना ए क्यूब, तो ऐसा लिखोगे ऐसा प्लस बी क्यूब, ये पूरे पर भी पावर 3 प्लस 3ab, ए बी ये है इंटू ए प्लस बी, यानी यही वाला नंबर लिखाएगा इंटू ए प्लस बी, लेकिन इसके बदले यूज हो चुका है जेड के पावर 1/3। इधर आ जाइए, ये क्या होगा दोस्तों जेड का है, ये पावर खत्म हो जाएगा, देखिए यहां भी खत्म यहां भी खत्म, आप यहां बचा एक्स यहां बचा वाई, ठीक है एक्स वाई। अब देखो क्या करोगे प्लस में तो माइनस ले जेड, अभी प्लस में उधर भेज दोगे तो माइनस 3x के पावर 1/3, वाई के पावर 1/3, जेड के पावर 1/3। अब देखो दोबारा से क्यूबिंग कर देते हैं, क्योंकि सवाल देखिए ध्यान से, क्यूबिंग करेंगे तो ये भी इस पूरे पर भी ये सब ठीक है, यहां तक इसको लाना है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस है 20 समय तो माइनस ही होगा, और 3 का क्यूब 27, एक्स का भी पावर 1/3 तो एक्स
वन बाई थ्री, तो एक रो पर थ्री हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। वाई के पावर वन बाई थ्री, इस पर भी पावर, क्योंकि इंटू में सब पे पावर तीन होगा, ये भी खत्म। जेड का पावर वन बाई थ्री इंटू थ्री, खत्म। यानी कि देखिए, एक्स प्लस वाई माइनस जेड के पावर थ्री, प्लस में है इधर आ जाएगा, सॉरी माइनस में इधर आएगा, प्लस में सत्ताईस एक्स वाई जेड, इधर पार्ट में क्या बचा, जीरो। तो आपने इस तरह से देखा, आप दोबारा एक बार देख लेना किस तरह से बना रहा हूं मैं, लेकिन इतना सवाल को इस तरह से आपको बनाने का सत्ता नहीं है दोस्तों। अब धीरे से कोई भी जब ये है तो किसी एक को जीरो पढ़ लो, किसी एक को, इसको भी पढ़ लो, इसको भी, ये इसको, कोई एक को। मैं सवाल लाजवाब, मैं सारा बुकलेट का सवाल लिखा हूं दोस्तों, आप देखना ध्यान से। चलिए दोस्तों, देखिए आप, एक सवाल है ये एसआई यानी कि 2016 का सवाल है, ए प्लस बी बराबर टू सी हो तो, यानी ए बाई ए माइनस सी प्लस सी बी माइनस सी। देखिए इसका हम बेसिक ही बता देंगे आपको, पहले कंसेप्चुअल जो अभी बता गए हैं, कंडीशन कितना है एक, आप क्या बोलता है मैंने कि सबसे पहले बोला मैंने किसी एक को जीरो पढ़ दो, किसी एक को जीरो, आप ये जीरो पढ़ दिया, बी किसको पढ़ा जीरो, बी को, तो जी बी जैसे ही जीरो पढ़ा तो ए का वैल्यू कितना हो गया टू सी, ए का वैल्यू टू सी। आप क्या करो, पहले जहां जहां बी है वहां से हटा दो, तो यहाँ जीरो है जब बी तो माइनस सी, ऊपर भी सी, यानी बचेगा सी, सी कट जाएगा, बचेगा कितना माइनस वन। अब देखिए ए बराबर टू सी, तो ऊपर भी टू सी, नीचे भी टू सी माइनस सी, तो टू सी ऊपर है और नीचे दू सी, तो दू सी में से एक सी जाएगा, तो बचेगा कितना सिर्फ सी, ऊपर टू सी नीचे सी माइनस वन, ये खत्म हो जाएगा, दो में से एक जाएगा, कितना। आप ऐसा नहीं है किसी भी, मैंने बोल दिया आपको कि आप चेक घर में करोगे, यानी ए भी जीरो पढ़ सकते हो, बी भी, या सी, कोई भी आप जीरो पढ़ लो आपका आंसर। मैं आपको दोबारा से एक बार देखिए ध्यान से, बी को जीरो पढ़ा मैंने, ए का वैल्यू टू सी आया, ए का वैल्यू क्या है टू सी, ए बराबर टू सी हुआ, तो जहां जहां ए है वहां टू सी लिखेंगे, और जहां बी है जीरो, बी जीरो ऊपर सी नीचे माइनस वन, तो जैसे ही ऊपर सी नीचे माइनस सी तो कटेगा, तो माइनस वन, ए के बदले टू सी माइनस सी, ऊपर ए के बदले टू सी, टू सी में से एक सी जाएगा, बचेगा सिर्फ सी, ऊपर सी सी खत्म होगा, दो में से एक जाएगा एक। अब जरा इसका बेसिक बता दे रहा हूं, इसका जरा बेसिक देखिए ध्यान से दोस्तों। अच्छा, इसका बेसिक लिखने के लिए मैं ऐसा लिखता हूं, ए प्लस बी सी प्लस सी तो लिख सकते हैं, दो सी है तो एक सी एक सी। अच्छा, ए माइनस सी, तो ये सी माइनस बी हो जाएगा, ए को सी प्लस में धर लाया, अब सी यहीं पे, इसको दे सी माइनस बी। आप देखो क्या करोगे, क्या करना है, कुछ ना करना है। देखो जैसे क्या, मैंने ए ऊपर ही रहने दिया, मैंने नीचे ए माइनस सी, इसके बदले सी माइनस बी प्लस सी बी माइनस सी। अच्छा देखिए ना, एक माइनस है, कोई चेंज करते हैं इसे, नीचे वाला कोई को, ए सी माइनस बी है, अब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ऊपर सी सी माइनस बी। अब देखो सी माइनस बी, देखो थोड़ा सा दोस्तों मैं इसको इधर मिटा, नीचे कट जाएगा, इसलिए आप ऊपर देख लो ध्यान से। आप सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये देखिए दोनों सेम हो गया है, तो नीचे एलसीएम सी माइनस बी, सी माइनस बी, तो ऊपर बचेगा ए माइनस सी। और देखिए आपने देखना ध्यान से, नहीं तो मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, ए माइनस सी और सी माइनस बी, तो बताइए ए माइनस सी, तो इसके बदले सी माइनस बी लिखेंगे, यानी इसके बदले सी माइनस बी, तो नीचे भी सी माइनस बी, कट के कितना होगा आप, लेकिन मैंने बताया देखो प्रेस, देखो एक बार फिर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं मैं, जीरो वाला केस इसे हटा देंगे, किसी एक को जीरो पढ़ दो। तुमको लग रहा सर कि आप ए को जीरो क्यों नहीं पढ़ रहे हो, एक को भी पढ़ के बनाओ ना, आप सी के भी पढ़ के बनाओ ना, या बी को, किसी एक को पढ़ो आप। अगर ए को मैंने पढ़ा जीरो, तो बी बराबर हुआ टू सी, ऊपर ही जीरो, तो ये खत्म हो जाएगा, इधर खत्म हो गया, प्लस सी बचा ऊपर, बी के बदले टू सी माइनस सी, इधर तो जीरो है क्योंकि ऊपर ही जीरो, तो कोई मतलब नहीं है। अब देखिए ऊपर सी दू सी में से एक सी, सी कट गया, कितना बचा एक, कितना बचा एक। अभी आपका मैं एक से एक सवाल,
पैटर्न में कहीं बदल नहीं रहा हो दोस्तों, अभी भी पैटर्न नहीं बदलने वाले, आगे सवाल भी आएगा, पैटर्न नहीं बदलने वाले हैं, सिर्फ देखते हैं। बहुत सवाल इस पे डिपेंड करता है, मैं बहुत सवाल जितना भी बुकलेट में पूछा गया सब सवाल को मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा। चलिए दोस्तों, ये भी सवाल पूछा हुआ है, देखिए पूछा है m प्लस एन बराबर वन, एम क्यू प्लस एन क्यू प्लस थ्री एम एन पूछ रहा है। देखिए मैं एक सवाल ये तो पीछे हो चुका है, लेकिन मैं दोबारा आपको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ ताकि आप बने रहें। अब देखिए एक सवाल मैं इसके बाद जो लिखूंगा मैं बहुत ही लाजवाब लिखूंगा। देखिए किसी एक को जीरो, आप तो रेडी आंसर करके तैयार हो गए। देखो आंसर ये भी खत्म, ये भी एक का क्यूब आंसर क्लियर। आप चलिए दोबारा देखेंगे दूसरा सवाल, नया सवाल। चलिए दोस्तों आप देखो ध्यान से, ए बी सी जीरो यानी ए प्लस बी प्लस सी जीरो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी सी, इसका आंसर बताना है। तो दोस्तों मैं आपका बेसिक भी इस सवाल को बताऊंगा, पहले हम लोग कंसेप्ट जो बात किए हैं उसी पे पहले आते हैं दोस्तों। चलिए आप जो है एलजेब्रा बहुत ही आसान है, आप दिमाग में बेवजह की सवाल उठा रहे हो, आप सवाल को उठाओ उस पे अभ्यास करो। देखिए आपका एलजेब्रा कितना आसान, एडवांस मैथ अर्थमेटिक से भी आसान है। आप देखो ध्यान से, सबसे पहले मैंने बोला था किसी एक को जीरो, तो हमने बी को जीरो पढ़ दिया, तो ए बराबर माइनस सी होगा कि नहीं दोस्तों, ए यही रह जाएगा, सी प्लस में उधर जाएगा माइनस सी। अब जहां जहां बी है वो पहले हटा दोगे, तो यहां लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, नीचे सिर्फ और सिर्फ क्यों ए स्क्वायर, क्यों क्योंकि बी जीरो खत्म हो जाएगा ए स्क्वायर। अच्छा ए के बदले माइनस सी, तो माइनस सी जो है यानी ऐसे ए के बदले माइनस सी लिखेंगे, तो माइनस सी जब लिखोगे आप देखो ध्यान से, माइनस सी इसका ए के बदले माइनस सी, तो माइनस सी का स्क्वायर तो प्लस सी हो क्योंकि पावर सब है, यानी कि ये भी सी स्क्वायर, ऊपर भी सी स्क्वायर, नीचे भी सी स्क्वायर, ए स्क्वायर के बदले टू सी स्क्वायर, नीचे सी स्क्वायर, खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों दो बचेगा। देखिए क्या बोला मैंने, किसी एक को आप तीनों में से किसी एक को भी जीरो मानते रहे ना, ए प्लस बी प्लस सी जीरो, बी को जीरो पढ़ा, ए का वैल्यू माइनस सी, अब जहां जहां ए है वहां हमने माइनस सी दिया, माइनस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ये सी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर सी स्क्वायर, दो सी स्क्वायर, नीचे भी सी स्क्वायर, ऊपर दो स्क्वायर, नीचे सी, खत्म, कितना दो। आप चलो देखो से, देखिए मैं इसका पेपर मेंस का सवाल है, मैं इसका आंसर बता चुका हूँ, जरा बेसिक बता दें दोस्तों। आप लस्सी यही रहने दीजिए, इधर कर दीजिए इसको, आप देखो ध्यान से दोस्तों, स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ये ऐसा पूरा पर चलेगा, ये माइनस वाला खत्म, यानी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू बी सी बराबर ए स्क्वायर। अच्छा बी सी स्क्वायर, अब देखिए तो ये लिखा है बी सी और सी ए का, तो ये जो है उधर जाएगा माइनस में, तो ये ए स्क्वायर पहले से बी सी के बदले ए स्क्वायर माइनस टू बी सी, नीचे ए स्क्वायर बी सी, ए स्क्वायर ए स्क्वायर टू स्क्वायर और दो, तो यानी दो बाहर, तो ए स्क्वायर माइनस बी सी और नीचे भी ए स्क्वायर माइनस बी सी, ये ऊपर से ऊपर खत्म, आंसर आ गया। आप देखो ध्यान से, कुछ नहीं था दोस्तों आपके पास, लेकिन मैंने कल से बताया किसी एक को जीरो अपन सर पेपर टू 2016। आप देखो मैं मेरे पास अभी, आप देखो ध्यान से है दोस्तों, मैं आपका बहुत सारे कोर्स इसमें सवाल करवाऊंगा, आप लास्ट तक बने रहें, जो लोग लास्ट तक देखें वो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर करें। मैं अभी इसके बाद इससे भी लाजवाब सवाल बताऊंगा, हार्ड से हार्ड सवाल में भी किस तरह से जो कैलकुलेशन मेथड है उसमें भी बताऊंगा। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं फिर से दोबारा, थैंक्स।